हाँ 2005 के पहले वाला विकास मॉडल सिवान की जनता को पसंद नहीं है। आज बहुत सारे कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, उस मॉडल को ऐसा मॉडल बना देते हैं कि लगता है कि वो पेरिस था उस समय सिवान। अरे वो पेरिस नहीं था, आज पेरिस है, उस समय जंगल राज था। सिवान में एक भय का वातावरण था, किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं थी कि वो झंडा लगा दे, ये स्थिति थी। सुबह 8 बजे से ही बूथ कैप्चरिंग हो जाता था और बूथ कब्जा के बल पर लोग यहाँ के सांसद बनते थे। ये सब राजद के माननीय जो उस समय मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और लालू यादव, उनके चलते था और उन्हीं के प्रतिनिधि लोग ऐसा करते थे। तो राजद से उनको अलग थलग नहीं कर सकते आप। तो माले का तो ऐसे ही कबाड़ा इस बार हो गया। आप माले के जनाधार में जाइए ना, माले के जनाधार की जनता मन बना चुकी है कि भाई रमेश कुशवाहा के साथ खड़ा होना है, एनडीए के साथ खड़ा होना है, विजय लक्ष्मी देवी को जिताना है। आप देखिएगा एक माले के कुछ लोग है बहुत अनाप शनाप बोले, गुस्सा में बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप झंडा लेकर के आप मंच को सुशोभित कीजिए, आपकी जनता मेरे साथ। वोट ऑफ परसेंटेज देखिएगा, चाहे सीपीआई सीपीएम और एमएल तीनों को मिला करके 1.75 ही है पूरे बिहार में। और इस लोकसभा के चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को कहां सीट मिला जी? माले को 3 मिला है, एक काराकाट मिला है जहां 34,000 वोट आता था उसको, यहां सिवान में उसको नियर अबाउट 80,000 वोट आता था, वो लालटेन को चला गया। नालंदा सीट मिला है जहां माले को पिछला रिकॉर्ड देखिए 12,000 वोट आया था, वैसे ही सीटों को दे दिया गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 लक्ष्मी जिंदाबाद, 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 लक्ष्मी जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 मार जिंदाबाद, 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 सिवान की जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, 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 एनडीए प्रत्याशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि आज जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर मोड़ से हम अपने दौरा की शुरुआत किए, जनसंपर्क यात्रा की। इसमें हम सबसे पहले उड़ियानपुर गए, उड़ियानपुर होते हुए आपको अकोली, आपको मुइया, उसके बाद से मिसु टोला, मिसु टोला के बाद से हम आए पिपरहिया, मझवलिया, मझवलिया का करीब करीब सभी टोले में हम गए और फिर वहां से मझवलिया होते हुए हम यहां पहुंचे हैं। और भी अभी हमको शिवपुर शकरा जाना है, मनिया जाना है और भरथुई जाना है। आज रोड शो भी आप कर रहे हैं, खासकर शिवपुर शकरा में। देखिए रोड शो नहीं है ये, तो हम जहाँ जा रहे हैं तो 30-40 गाड़ी, 100-80 में किसी गाड़ी के लिए मैंने नहीं, हम तो अपने घर से 2 गाड़ी लेकर के निकलते हैं, लेकिन हम जब रास्ते में चलते हैं तो काफिला बन जा रहा है। आज देखिए यहाँ एनडीए के सभी घटक दल के नेता लोग हैं, भाजपा के अभी नंद प्रसाद चौहान जी हैं हमारे साथ, यहाँ के आपको राम पुकार चौहान जी हैं, पीछे मोहन राजभर भी जो अति पिछड़ों के नेता वो भी है, अप्पू बाबा जिनके अभी हम लोग नाश्ता किए, ये भाजपा के वीर नेता हैं, पप्पू सिंह उर्फ दुर्गा प्रताप सिंह हुए, पीएन सिंह जी हुए अकोली पंचायत के, इस तरह से कई लोग। उधर आप तो जाइए संजय सिंह जी हैं तीतरा बंगरा के, तो देखिएगा हर समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग भी, कई मुखिया भी हैं इसमें जो आप लोग पसमंदा चलाते रहते हैं, आपके सारथी है, सारथी बन के चल रहे हैं। प्रभुनाथ राम भी है हमारे साथ, जयप्रकाश यादव जी है, किधर गए जी जयप्रकाश, देखिए जयप्रकाश यादव जी भी है, सब लोग हर समाज के लोग हैं। ये एकजुटता क्या संदेश दे रहा है? देखिए जहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं ना उसी की जीत होती है, ये इसी का संदेश है। इस बार एनडीए जीत रहा है, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी जी जीत रही है, मोदी जी का नीतीश जी का समाज के हर वर्गों पर, हर तबकों पर, अगड़े पिछड़े
और अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से पर दलित समाज में हर जगह प्रभाव बढ़ा है पहले पिछले चुनाव की तुलना में। मतलब जो एनडीए जो गठबंधन है इसके बारे में परसेप्शन और सकारात्मक है, और समाज के हर वर्ग के लोग जो पिछले चुनाव में किसी कारणवश नहीं थे वो सब लोग साथ हैं। जो दर्शक देख रहे हैं अभी, खास करके लोग यही समझते हैं कि शहर में विकास होता है, सिवान शहर की बात अगर की जाए तो गांव के लोग बड़ी उम्मीद से आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए ऐसा है, हम इसी क्षेत्र से विधायक थे, शायद कोई गांव कोई टोला अब अपवाद कोई हो हम नहीं जानते, लेकिन हर टोले को हमने इस सड़क से संपर्क कराया, हर गांव में बिजली आई है। इस क्षेत्र का सौभाग्य है जीरा देवी विधानसभा का कि मेरे ही कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज भी बना, तो इस क्षेत्र में जितना विकास हुआ है तुलनात्मक रूप से शायद दूसरे क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। और आप ये देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है या नीतीश जी ने जब 2005 से जब अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, उसके पहले बिहार क्या था जी? सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, पता नहीं चलता था कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढा सड़क में, कुछ पता चलता था। गांवों की बात छोड़ दीजिए, आप लोग खुद सिवान टाउन के रहने वाले हैं, 8 घंटा भी बिजली नसीब नहीं होती थी, आज 24 घंटा बिजली रहती है। गांवों में भी लोग एसी लगा कर करा रहे हैं। विकास का और कोई दूसरा मॉडल हो तो बतावे। हाँ, 2005 के पहले वाला विकास मॉडल सिवान की जनता को पसंद नहीं है। आज बहुत सारे कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, उस मॉडल को ऐसा मॉडल बना देते हैं कि लगता है कि वो पेरिस था उस समय सिवान। अरे वो पेरिस नहीं था, आज पेरिस है, उस समय जंगल राज था, सिवान में एक भय का वातावरण था, किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं थी कि वो झंडा लगा दे, ये स्थिति थी। सुबह 8 बजे से ही बूथ कैप्चरिंग हो जाता था और बूथ कब्जा के बल पर लोग यहाँ के सांसद बनते थे। ये सब राजद के माननीय जो उस समय मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और लालू यादव, उनके चलते था और उन्हीं के प्रतिनिधि लोग ऐसा करते थे, तो राजद से उनको अलग थलग नहीं कर सकते आप। आज भी वहां जो कल्चर है वो सब राजद का ही कल्चर है, हम लोग उस कल्चर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस कल्चर के खिलाफ एक नए कल्चर, एक राष्ट्रवाद का कल्चर, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऑफेंस लेकर कमलोचन लालू जी के पुत्र जो है कि पूर्णिया में उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग एनडीए को मतलब महागठबंधन को समर्थन नहीं कर सकते तो एनडीए को कर दीजिए, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए उनकी मजबूरी है समझे, और वो अब उनका गठबंधन तो कहीं जीत नहीं रहा है, तो देख रहे हैं कि हर जगह एनडीए के ही लोग जीत रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। और इंडिया कहने के लिए यहाँ तो सिर्फ आरजेडी है, बाकी क्या किसी पार्टी में कोई दम है जी? लेफ्ट पार्टियों में, लेफ्ट पार्टियों का वोट ऑफ परसेंटेज देखिएगा, चाहे सीपीआई सीपीएम और एमएल, तीनों को मिला करके 1.75 ही है पूरे बिहार में, और इस लोकसभा के चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को कहां सीट मिला जी? माले को 3 मिला है, एक काराकाट मिला है जहां 34,000 वोट आता था उसको, यहाँ सिवान में उसको नियर अबाउट 80,000 वोट आता था, वो लालटेन को चला गया। नालंदा सीट मिला है जहां माले को पिछला रिकॉर्ड देखिए 12,000 वोट आया था, वैसे ही सीटों को दे दिया गया, तो माले का तो ऐसे ही कबाड़ा इस बार हो गया। आप माले के जनाधार में जाइए ना, माले के जनाधार की जनता मन बना चुकी है कि भाई रमेश कुशवाहा के साथ खड़ा होना है, एनडीए के साथ खड़ा होना है, विजय लक्ष्मी देवी को जिताना है। आप देखिएगा एक माले के कुछ लोग है बहुत अनाप शनाप बोल रहे, गुस्सा में बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप झंडा लेकर के आप मंच को सुशोभित कीजिए, आपकी जनता मेरे साथ। अच्छा एक ईमानदारी से बताइएगा कि अगर बाई देव हाँ। से आप जो आंकड़ा गिना रहे हैं, अगर यहाँ माले रहती तो क्या आपको चुनौती मिलता है क्या उससे? देखिए माले रहती तो हर चीजों की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, तो वो भी उस समय मेरे लिए कोई चुनौती नहीं था, ना पहले चुनौती माले रहती न चुनौती होता ना आज चुनौती, चुनौती तो मेरे लिए अच्छा, नहीं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं लेकिन माले के लोग इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्या किसी चीज का उन्हें डर सता रहा है क्या रमेश कुशवाहा से? हाँ डर तो है उनको, किस बात की? अगर दूसरा कोई रहता ना तो उनको अपने सोशल बेस को खत्म हो जाने का डर नहीं रहता, सिर्फ मेरे कैंडिडेट बनने से ही उनको डर है, बाकी एबीसीडी कोई कैंडिडेट रहता उनका जनाधार आप लेकर चलेंगे। बिल्कुल यही सच्चाई है, यहाँ दीपांकर को उतरना पड़ा, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं देश के जो टॉप लीडर है उनको मैरवा में आकर के पूछना पड़ा कि क्या सिचुएशन है, तो
मालिक जो लीडरशिप कहा कि भाई देखिए हम लोग मंच सुशोभित करेंगे आरजेडी का, जनता के बीच जाएंगे तो जनता लाठी लेकर के खड़ी है, हम लोगों को घुसने नहीं देती जनता। पूंजी में भी आप छनमारी कर सकते हैं क्या? उनके पास पूंजी ही क्या, जब छनमारी करे, सब पूंजी तो मेरे साथ है। देखिए बैंक उसी को कर्ज देता है ना जिसके पास माल पानी होता है। बैंक वाले भी भूमिहीन गरीब किसान को कितना कर्ज देता है, बकरी के लिए सुअर के लिए कर्ज देता है, समझे ना। तो जिसके पास पूंजी है वो भी पूंजी यही आ गई है, अब वहाँ कुछ है नहीं।